सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। भगवान श्री राम के साथियों के वंशजों को आज मिला सबसे बड़ा सम्मान। मुसहरों ने राम नाम का मंत्र लिया और चल पड़े राम काज करने को। राम पंथ में मुसहर और आदिवासी समाज के लोग हुए दीक्षित। सबके राम मंत्र के साथ राम पंथ में दीक्षित हुए समाज के अंतिम लोग। लमही स्थित श्री राम आश्रम में राम पंथ के गुरुदेव इंद्रदेश कुमार ने विधिवत पूजा पाठ के साथ दीक्षित कर गुरु मंत्र दिया। चलिए देखिए आप सब माता का नाम इच्छाधारया श्री सीताराम चंद्र देवताभ्यो कृपा प्रसादेन साक्षे निमित्य रथे सर्वे जनाः सर्वे जिन्होंने अपने को गौरी चमड़ी वालों से आजादी दिलवाई, क्रॉस वालों से आजादी दिलवाई। दूसरा अब जिसका एक वर्ष पूर्व श्री राम पंथ यह अनुसूचित समाज जनजातीय समाज में विशेष रूप से सीताराम यह नाम पहुँचे। माँ सीता जगत जननी हैं, राम ईश्वर रूप हैं, जगत पिता हैं। इस जगत जननी और जगत पिता की शरण में सब रहेंगे, इसका संकल्प करके हम सदाचारी बनेंगे। आज सब ने प्रतिदिन सुबह और सायंकाल में सीताराम की माला जपने का संकल्प के साथ साथ शराब की बोतल को छोड़कर खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे, दंगों से बचेंगे और गाली गलौज बंद करके आपस में प्यार से और भाईचारे से रहना सीखेंगे। इसको मानते हुए सबने संकल्प किया कल इनका कोई धर्मांतरण और इस इलाकों में धर्मांतरण कर ना पाए, इनका शोषण ना हो, बल्कि सब गले लगाकर सम्मान और भागीदारी दें। इसका एक विश्वास समाज में पैदा करने के लिए हम किसी भी मजहब के, किसी भी जाति के, किसी भी लिंग के, किसी भी भाषा के हैं, हम देश भारत से, हिंदुस्तान से एक थे, एक हैं, एक रहेंगे और हम ईश्वर जगत जननी जगत पिता की संतान के रूप में भी एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। ऐसा संकल्प करते हुए स्वयं भी अच्छे बनेंगे और संतान को भी अच्छा और नेक बनाएंगे। इस आंदोलन का यही एक है कि नास्तिकता जाए, आस्तिकता आए, खराबियां जाएं, बुराइयां जाएं, अच्छाइयां आए। इस रूप में आज यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ पर आदिवासी समाज में से खरवार और मुसहर ये जातियों के प्रमुख महिलाएं और पुरुष आए और उन्होंने धीरे धीरे सीताराम सीताराम याद करते हुए जप किया और एक बड़ी खुशी की लहर बनी और आज उनको प्रभु के आशीर्वाद के रूप में, बड़े और गुरुजनों के प्यार के रूप में आशीर्वाद प्राप्त हुआ।